सर एरेटर्स एक इक्विपमेंट होती है, होती छोटी सी है बट काम की बहुत है। वाटर बॉटल्स को रिसाइकिल करने के लिए एक मशीन लगाई है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड 16 से 31 मई तक स्वच्छता अभियान अपना रहा है। हम इको ब्रिक्स बना रहे हैं, उसके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम मिलकर ये प्लास्टिक क्रशर मशीन लगवाई है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड 16 से 31 मई तक स्वच्छता अभियान अपना रहा है, इसी की एक पहल में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सेक्टर 35 में एकत्रित हुए हैं जहाँ पे हम लोग वाटर बॉटल्स को रिसाइकिल करने के लिए एक मशीन लगाई है जो यहाँ की चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लगाई है। तो यहाँ हम लोग मशीनों में बॉटल डाल रहे हैं जिससे कि ये प्लास्टिक का कचरा रिसाइकिल हो सके। एक और पहल हम लोग कर रहे हैं तलवाड़ा में, कर रहे हैं एक एनजीओ के साथ। उन्होंने इको ब्रिक्स का भी एक प्रोजेक्ट ले रखा है जिसमें प्लास्टिक के बॉटल के अंदर जो दूसरे छोटे वाले प्लास्टिक की ऐसे पन्नियां होती हैं तो उनमें डाल करके उसके अंदर भर करके उसको इको ब्रिक्स को हम लोग यूजफुल यूज में लाएंगे। तो इसके अलावा स्वच्छता अभियान में हम लोग बहुत कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे कि अपना सफाई करना, ग्रीन मैन्योर बनाना, वो भी हम लोग अपने बोर्ड ऑफिस में कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी हमारे पुराने कागज हैं उनको भी हम लोग रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहर में और कितनी जगह लगी है क्रशर की? क्रशर मुझे बताया गया 3 जगह और लगी गई है। तो बीबीएमबी कॉम्प्लेक्स भी लगाया गया है? बीबीएमबी कॉम्प्लेक्स में रिसाइकिल वाला नहीं लगाया गया, लेकिन हम लोग इको ब्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इको ब्रिक्स में हमारा तलवाड़ा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें प्लास्टिक बॉटल के अंदर हम लोग जो छोटी वाली प्लास्टिक की पन्नियां होती हैं जो नालियों में फंस जाती हैं उसको अंदर डाल करके एक ब्रिक्स बनाते हैं, बहुत ही मजबूत होती है वो, उसको यूजफुल तरीकों से यूज कर सकते हैं, ऐसे गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। तो वो पहल हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम के साथ और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आपके, इसको फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी है? फाइनेंशियल तो अभी नहीं है हमारी ना, हमने सैनिटरी नैपकिन के लिए हमने उनके साथ टाई अप किया है। वो हम इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको हम नैपकिन खरीद रहे हैं और वो नगर निगम के साथ मिलके वहाँ पे हम बांटेंगे, तो उसमें जो भी खर्चा होगा वो बीबीएमबी करेंगे। मेरा नाम लिप्सा अग्रवाल है, मैं भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड में उप सचिव जनसंपर्क के पद पे कार्यरत हूँ। ये मुहिम बीबीएमबी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ की एक साथ मुहिम है। हमने 4 और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स इस स्वच्छता पखवाड़े के दौरान किए हैं, जिसमें जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एक तो हम इको ब्रिक्स बना रहे हैं, उसके साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम मिलकर ये प्लास्टिक क्रशर मशीन लगवाई है जिसमें आप अपनी प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को डालते हैं और आप एंटर करते हैं, फिर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और फ़ोन नंबर के बाद आपको एक मैसेज आएगा जिससे आपको एक ऐप मिलेगी, आपको एक कूपन भी मिलेगा जिससे आप रिसाइक्लेबल प्लास्टिक रिसाइक्लेबल टी शर्ट्स और कैप्स रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा सर हम इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के दिन भी एमसी ऑफिस के साथ कलाबोरेट करके एक इनिशिएटिव कर रहे हैं जिसमें हम इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन वल्नरेबल कम्युनिटीज में बांटेंगे और वो बीबीएमबी परचेज कर बांटेगा अपने आप, और इसमें एमसी ऑफिस भी हमारे साथ हमारी मदद करेगा जो हम सेक्टर 25 भास्कर कॉलोनी में करने वाले हैं। इसके अलावा सर हमने वाटर एरेटर्स एक इक्विपमेंट होती है, होती छोटी सी है बट काम की बहुत है, जिसके अंतर्गत जो टैप्स में इंस्टॉल करने पर 30-50% वाटर बच जाता है, तो ये सेव वाटर के अंतर्गत हमारी मुहिम है। तो बीबीएमबी अपना स्वच्छता पखवाड़े में भरपूर सहयोग और प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। पब्लिक अवेयरनेस के लिए बीबीएमपी या नगर निगम क्या कर रहा है? पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस चीज का प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी इस मुहिम में जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास है। हमारे जो खुद के परिजन है उनके जरिए भी हम आगे से आगे इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े और हमारे इस मिशन को सेव अर्थ से नो टू प्लास्टिक से वाटर में जुड़े। धन्यवाद। जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसे काफी काम कर रहे हैं इसी मुहिम के अंतर्गत। आज हमने यहाँ पे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे के ऊपर हमने जो रीयूजेबल नैपकिन्स है सैनिटरी नैपकिन्स वो हम आज
बांट रहे हैं यहाँ पे अंदर पर जो भी लोग हैं यहाँ पे उनको, और साथ साथ उन सबको एजुकेट कर रहे हैं कि महामारी से बचने के लिए आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें। और हमने सैनिटरी नैपकिन खरीदे हैं जो कि हम इनको बांट ही रहे हैं, और आगे भी हम इस तरह की मुहिम आगे चलाते रहेंगे। इसके अलावा हमने और स्वच्छता के बारे में काफ़ी काम किया है, हमने काफ़ी एनजीओज के साथ मिलकर मुहिम चलाई है जिसके अंदर हमने से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक बंद मुक्त करने के लिए हमने मुहिम चलाई है। और इसके अलावा स्वच्छता के संदर्भ में हमने आज के इवेंट के बारे में, सर आज के इवेंट के बारे में तो ये हम जो मेंस्ट्रुअल डे है, आज मेंस्ट्रुअल डे है और हमारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, इनके बारे में हमने इसी संदर्भ में आज हमने जो रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो आज हम इनका वितरण कर रहे हैं।